प्रकृति में ऐसे बहुत से जीव जंतु हैं जिनके बारे में अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही जानवर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो बिना दांतों के भी जंगल में बेखौफ घूमता है, और इस जानवर का नाम है एंट ईटर। जॉइंट एंट ईटर्स पाई जाने वाली अपनी चार एंट ईटर प्रजातियों में सबसे बड़े हैं, जो 6 से 8 फीट की लंबाई तक पहुंचते हैं। वे मिडिल और साउथ अमेरिका के मूल निवासी है, जहां वे अपनी 2 फुट लंबी जीभ का प्रयोग करके छोटे दीमक और चींटियों को खा जाते हैं। इनकी जीभ की गति इतनी तेज है कि वो इसे प्रति मिनट 150 बार अंदर और बाहर झटक सकते हैं। इस प्रजाति के एंट ईटर्स की 2 फुट लंबी जीभ तो होती है, लेकिन दांत एक भी नहीं होता। इसके साथ ही एक लंबा विशिष्ट थूथन होता है। थूथन किसी जानवर के मुंह का आगे निकला हुआ हिस्सा होता है। ये अक्सर कुछ हद तक नुकीला भी होता है। उनके सुनने और देखने की क्षमता एक बार की कम हो सकती है, लेकिन उनकी सूंघने की क्षमता बेजोड़ होती है। ये एंटीटर भूरे रंग के विभिन्न रंगों में चौड़ी काली धारियों के साथ प्रतिरूपित होते हैं, जो उनके ऊपरी सामने के पैरों के उनकी रीढ़ की ओर चलते हैं। उनके सामने के पैर सफेद होते हैं और उनकी एक झाड़ीदार पूंछ होती है। उनके कंधों पर छोटे छोटे बाल होते हैं और उनके पैरों और पूंछ पर लंबे बाल होते हैं, जो घोड़े की आयाल की बनावट जैसा दिखता है। विशालकाय एंटीटर अपने तीज सामने के पंजों को अपनी हथेलियों में दबाकर और अपने सामने के पौर पर चलकर उनकी रक्षा करते हैं। वे अपने इन्हीं नुकीले पंजों से दीमक के घरों को तोड़ते हैं और फिर उसमें अपने थूथन को घुसाकर अपनी लंबी जीभ से सारी दीमक चट कर जाते हैं। ये एक दिन में 35,000 टर्माइट खा सकते हैं। उनके पिछले पैर और पंजे भालू के समान होते हैं। वे केवल अपने अगले पैरों के साथ ही चलते हैं। ये धीमी गति से चलते हैं, लेकिन जब आवश्यकता हो तो 30 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से सरपट दौड़ भी सकते हैं। वे चढ़ भी सकते हैं और तैर भी सकते हैं। चार एंटीटर प्रजातियों में सबसे बड़ा विशाल एंटीटर लंबाई में 6 से 8 फीट तक पहुंच सकता है, जिसमें नाक और पूंछ दोनों शामिल है। उनका वजन 60 से 100 पाउंड के बीच होता है। ये एंटीटर वर्षावनों और घास के मैदानों में पाए जाते हैं, जहां ये अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। जहां भी इन्हें टर्माइट्स के पहाड़ नुमा घोंसले दिखाई देते हैं, ये अपने थूथन और नुकीले नाखूनों की सहायता से इन्हें तोड़ डालते हैं और अपना भोजन कर लेते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है अगर जगुआर और एंटीटर का सामना हो जाए तो क्या होगा? नहीं सोचा ना? इस वीडियो में एक जगुआर एंटीटर के पीछे आकर उसका शिकार करने के लिए मुस्तैद खड़ा है। वो इस फिराक में है कि कैसे भी करके एंटीटर इसका शिकार बन जाए। लेकिन जगुआर भाई साहब, एंटीटर का शिकार करना कोई आसान काम नहीं है। बहुत देर पीछा करने के बाद जब जगुआर को हमला करने का मौका मिला तो एंटीटर पर झपट पड़ा, लेकिन एंटीटर ने उसका आसान शिकार बनना स्वीकार नहीं किया। उल्टा अपने लगभग 4 इंच लंबे नाखूनों से जगुआर पर हमला कर दिया। जगुआर ने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। दूसरी ओर एक और जगुआर, जिसे अभी अभी एक एंटीटर दिखाई दिया है, जगुआर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर पीछा करने के बाद जगुआर ने अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ एंटीटर पर हमला कर दिया। एंटीटर जगुआर के हमले और उसकी पकड़ से बिल्कुल भी घबराया नहीं, बल्कि उसने भी जगुआर के हमले का पूरी ताकत के साथ जवाब दिया। जगुआर और एंटीटर के बीच थोड़ी देर मल्ल युद्ध चलता रहा। कभी जगुआर ने एंटीटर को पटका तो कभी एंटीटर ने जगुआर को। लड़ाई का कोई रिजल्ट निकलता न देख दोनों ताकतवर जानवरों ने समझदारी का परिचय देते हुए अपने अपने रास्ते पकड़ लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।